गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन अजैविक कारक के नेक्स्ट टॉपिक मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मिट्टी क्या है और मिट्टी का संगठन क्या होता है, मिट्टी का संगठन क्या है और मिट्टी प्रकार कितने प्रकार की होती है और मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये अपने कुछ वर्ष पूर्व 3.5 नंबर का भी और 7.5 नंबर का भी प्रश्न आ चुका है कि मिट्टी पर कितनी लिखी है, अर्थात मिट्टी का कैसे निर्मित होती है, मिट्टी होती क्या है, इसके प्रकार क्या है और क्या इसका जीवों के जीवन में योगदान है। तो सर्वप्रथम मिट्टी क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को, जो पृथ्वी होती है उसकी सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को सामान्यतः मृदा या मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर उत्तली पट्टों को मृदा कहते हैं। ये किसी साइंटिफिक डेफिनेशन, ये तो सामान्य डेफिनेशन है, एक वैज्ञानिक डेफिनेशन है वो ये है, मैं आपको बता रहा हूं। एक सामान्य डेफिनेशन की परिभाषा कहते क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को सामान्य मृदा कहते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक परिभाषा कहें तो क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उत्तली पट्टों को मृदा कहते हैं, जिनका निर्माण मृदा से ठीक नीचे वाले चट्टानों के विघटन, अर्थात मिट्टी के ठीक नीचे वाली जो चट्टानें होती है उसके विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों, जो चट्टानें हैं उन पर कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवों की निरंतर अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। अर्थात मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है उसके जस्ट नीचे की जो चट्टानें होती है उन पर कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवों के निरंतर अनुक्रिया के कारण मृदा का निर्माण होता है, जिससे मिट्टी में अधिकांश वनस्पतियां, आपको पता है कि वनस्पति क्या होती है, वो मृदा में होती है, जिससे अधिकांश वनस्पतियां और जंतु मिट्टी में इसका रूप से निर्माण करते हैं। जैसे केंचुए होते हैं वो सामान्य क्या होते हैं, मिट्टी में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वापस रिवाइज कर रहा हूं, मिट्टी क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उत्तरी परतों को मृदा कहते हैं, जिसके निर्माण में मृदा से ठीक नीचे वाली चट्टानों, जो नीचे वाली चट्टान है उनके विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवों की निरंतर अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है, जिससे अधिकांश वनस्पतियां और जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं मिट्टी में। ये इसकी एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। अब आता है मिट्टी का निर्माण होता कैसे। देखिए, मिट्टी का निर्माण है कैसे, वास्तव में क्या है, मिट्टी के निर्माण में कई हजारों वर्ष लगते हैं, उसकी पश्चात एक मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है, कभी कहेंगे हर जगह एक समान मिट्टी होगी नहीं, कुछ मिट्टी में वनस्पतियां उगती है, कभी कुछ मृदा जो होती है मिट्टी होती है उसमें वनस्पतियां उगती नहीं होती। तो मिट्टी का निर्माण एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है, अर्थात मिट्टी का जो निर्माण होता है वो एक जटिल रासायनिक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें यांत्रिक कारक जो भी है उसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों का, देखिए मिट्टी के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का सबसे ज्यादा योगदान होता है, जैसे बैक्टीरिया है, लाइकेन्स है, इनका योगदान होता है। तो मिट्टी के निर्माण में सबसे पहला पॉइंट क्या है, मिट्टी का निर्माण एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें यांत्रिक कारकों के साथ साथ सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। सेकेंड है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो चट्टान होती है उसके में खनिज पदार्थों की ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा, अपन केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन प्रक्रिया, तो पृथ्वी की ऊपरी चट्टानों के खनिज पदार्थों के ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा विघटित होता है। ऊपरी चट्टान जो होती है वो निरंतर ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा क्या होती है, विघटित होती है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो चट्टानों को विघटित करने में एक शक्तिशाली कारक माना जाता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो कारक माना जाता है वो माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। विघटित चट्टानों पर जल रासायनिक क्रिया को, अर्थात जो चट्टानों को कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ा है उस पर जो जल है वो क्या करता है, रासायनिक क्रिया को प्रभावित बनाता है। जो चट्टानें टूट गई है उस पर जो पानी है वो रासायनिक क्रिया को क्या कर रहा है, प्रभावी बनाता है। इसके साथ ही जो तापमान है उसमें जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो भी क्या करेगा, चट्टानों के विघटन में सहायक होता है। अर्थात जो तापमान है उसमें उतार चढ़ाव है वो भी चट्टानों के विघटन में सहायक होता है। फिर इन चट्टानों के छोटे छोटे खनिज पदार्थ, जब चट्टानें युक्त होगी तो इन पर क्या होगा, छोटे छोटे जो खनिज पदार्थ है उन पर लाइकेन और बैक्टीरिया उत्पन्न होकर जीव राशियों के विकास को प्रस्तुत करते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे खनिज है उन पर क्या होगा, लाइकेन और बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे और जीव राशियों के विकास के मार्ग को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो वापस
ऑब्जर्व करो मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है। मिट्टी का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया प्राकृतिक है जिसमें यांत्रिक कारकों के साथ साथ सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। पृथ्वी की ऊपरी चट्टानों के खनिज पदार्थ ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा विघटित होते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों को विघटित करने में शक्तिशाली कारक माना जाता है। विघटित चट्टानों पर जल रासायनिक क्रियाओं को क्या करेंगे, प्रभावित बनाते हैं, और तापमान में उतार चढ़ाव भी क्या करेगा, इस विघटन प्रक्रिया को प्रभावित बनाएगा। और इन चट्टानों के जो छोटे छोटे इन चट्टानों के छोटे छोटे खनिज है, मिनरल्स है, उन पर लाइकेन और बैक्टीरिया जैसे उत्पन्न होकर जीवधारियों के विकास को क्या करेंगे, मार्ग प्रस्तुत करते हैं, उनका जीवन निर्मित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है मिट्टी के प्रकार। देखिए सामान्यतः मिट्टी 3 प्रकार की होती है। देखिए मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर था, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, देखिए सबसे बड़ी मिट्टी की जो गुणवत्ता होगी वो है उसमें आवश्यक मिनरल पदार्थ कैसे है और उसकी जल धारण क्षमता कैसी है। जल धारण क्षमता उसकी अच्छी होगी तो उसकी क्या होगी, हमेशा मिट्टी अच्छी क्वालिटी होगी। और अगर उसकी जल धारण क्षमता कम है और उसमें मिनरल्स कम है तो ऐसी मिट्टी हमेशा बंजर होगी, उसका कोई योगदान नहीं होगा। तो सबसे पहले है चिकनी मिट्टी। देखिए सबसे बढ़िया क्वालिटी की अगर वो मिट्टी होती है तो वो होती है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या होती है, इस मिट्टी में एल्यूमिनियम सिलिकेट, देखिए जो मेन होता है वो होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट के अति सूक्ष्म कण होते हैं जिसके कारण इसकी जल संग्रहण क्षमता अर्थात देखिए जब भी कोई पौधा होगा उसको जल के लिए आवश्यक है वो भूमि से ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसी जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी जल धारण जो संग्रह क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, जिसको अपन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में जल धारण क्षमता या इंग्लिश में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अर्थात चिकनी मिट्टी के केस में क्या है, इस मिट्टी में एल्युमिनियम सिलिकेट के अति सूक्ष्म कण होते हैं जिसके कारण ये एक तो चिकनी होगी और इसकी जल धारण क्षमता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसमें एल्युमिनियम सिलिकेट 30% से ज्यादा होता है, तो एल्युमिनियम सिलिकेट होता है वो इसमें क्या होगा 30% से ज्यादा होगा। अब सेकंड है डूमट मिट्टी। डूमट मिट्टी को कहते हैं लोमी सॉइल। देखिए अब डूमट मिट्टी की क्या विशेषता होती है, इसकी जो जल धारण क्षमता जो मिनरल है वो चिकनी मिट्टी से तो कम है, अर्थात डूमट मिट्टी सेकंड नंबर की मिट्टी है। अर्थात अगर मैं बात करूं तो पहली कौन सी होगी, चिकनी मिट्टी, सेकंड डूमट मिट्टी, थर्ड है बालू। अब जो ये डूमट मिट्टी है इसमें क्या होंगे, जो जल धारण क्षमता है वो चिकनी से तो कम होगी लेकिन बालू से क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। अर्थात ये बालू और चिकनी मिट्टी के बराबर मिश्रण से बनने का दोनों के बीच की होती है। अर्थात इस मिट्टी में जो गुण होंगे वो चिकनी मिट्टी से तो कम और बालू मिट्टी से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ऐसी मिट्टी क्या कहलाएगी, डूमट मिट्टी या इसको कहते हैं लोमी सॉइल। और इसकी जल धारण क्षमता पहले बता चुका हूं, जल धारण क्षमता होगी वो चिकनी मिट्टी से तो क्या होगी, कम होगी, और बालू मिट्टी से क्या होगी, हमेशा सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए इसे सेकंड प्रकार की मिट्टी कहते हैं। और थर्ड होती है बालू मिट्टी, केवल रेत और रेत है ऐसी मिट्टी, कोई उपजाऊ नहीं होती है और इसमें 80% तो रेत होती है, 80% तो इसमें रेत है, शेष जो भी 15-20% है वो एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं। और इसमें जो पोषक पदार्थ, देखिए पोषक तत्व क्या होते हैं, ऐसे आवश्यक तत्व जो पेड़ पौधों को उगने के लिए आवश्यक है जिसे मिनरल्स भी कहते हैं, ऐसे बहुत जरूरी तत्व होते हैं, ऐसे इस मिट्टी में नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा इसकी जल धारण संग्रह क्षमता अर्थात जल को स्टोरेज करने के लिए जल धारण क्षमता होती है वो क्या होगी, कम होगी। ऐसी मिट्टी में कभी भी वनस्पतियां बहुत लगभग नगण्य के बराबर होगी और ऐसी मिट्टी हमेशा क्या होगी, बंजर होगी। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। चिकनी मिट्टी सबसे बढ़िया क्वालिटी की, इस मिट्टी में एल्युमिनियम सिलिकेट के अति सूक्ष्म कण होते हैं जिसमें चिकनी और अधिक जल धारण क्षमता, कितने होते हैं एल्युमिनियम सिलिकेट 30% से ज्यादा। सेकंड डूमट है, दोनों के बीच की मिट्टी है और इसकी जो जल धारण क्षमता है वो चिकनी से तो कम और बालू से क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड बालू, इसमें 80% तक जो रेत है, 80% तो क्या है रेत और शेष क्या है एल्युमिनियम सिलिकेट, और पोषक तत्व क्या होंगे इसमें कम होंगे और जल धारण क्षमता भी संग्रह क्षमता भी क्या होगी, हमेशा कम होगी। तो ऐसी मिट्टी में क्या होंगे, हमेशा जो पेड़ पौधे या जो भी है वो कम ही होगी अगर लगभग नगण्य के बराबर रहे। एक टॉपिक सिंपल सा आता है, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस क्या है। देखिए पेड़ पौधों की पत्तियां जो भी होती है, जैसे कि अपन देखते हैं कोई भी बसंत ऋतु आती है, कोई भी ऋतु होती है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है सड़ी गली होते हैं, या कोई भी जीव जंतु होते हैं जो मर जाते हैं, वो भी जीव सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा उनके जो शरीर होते हैं वो
वो क्या होते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, गिरते रहते हैं, जैसे पत्ती टूटी या जो भी जीवों के मृत शरीर है वो क्या होंगे, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या होंगे, निरंतर क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। अब इस प्रकार के कार्बनिक तत्वों का भंडार है, अब इस प्रकार के जीव जंतु में जो कार्बनिक पदार्थों का जो भंडार है उनमें मिट्टी भिन्न बन जाए, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें क्रिया द्वारा वो क्या करते हैं, सड़ गलाकर उपयोगी रासायनिक पदार्थों में, सड़ गलाकर इनके जो शरीर है उनको सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, सड़ गलाकर उपयोगी रासायनिक पदार्थों में विघटित करके मिट्टी को क्या बनाएंगे, उपजाऊ बनाएंगे। ऐसी मिट्टी, ऐसी पदार्थों का जो सामूहिक रूप है, ऐसी मिट्टी जिनमें जो उपजाऊ पदार्थ है इन मिट्टी के सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, उमस कहते हैं। अर्थात वापस चला चल रहा हूं, पेड़ पौधों की पत्तियां, तने, टहनियां और जंतुओं का मलमूत्र तथा मृत शरीर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर निरंतर गिरते रहते हैं। जैसे पेड़ से कोई पत्ती टूटी, कोई जीव मर गया, वो क्या होगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या है, मिटता है, उसमें निरंतर गिरते रहते हैं। इस प्रकार कार्बनिक तत्वों का भंडार मिट्टी में गिरती है, जो कार्बनिक पदार्थ शरीर में, जो कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक तत्वों का भंडार मिट्टी में गिरकर सूक्ष्म जीवों की क्रिया से, अर्थात जो भी सूक्ष्म जीव उसकी क्रिया से सड़ गलाकर उपयोगी रासायनिक पदार्थों में, सड़ गलकर उपयोगी रासायनिक पदार्थों में विघटित होकर मिट्टी को क्या करेंगे, उपजाऊ बनाएंगे। इन्हीं पदार्थों को, जो सारे पदार्थ है, सामूहिक रूप से उमस कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो अभी अपने क्या पढ़ा, मिट्टी के प्रकार, चिकनी मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी में एलोवेरा सिलिकेट 33% होते हैं और इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होगी, तो क्या होगी, उपजाऊ होगी और वनस्पति ज्यादा होगी। सेकंड डोमेट मिट्टी, दोनों के बीच की है, चिकनी से तो कम है और एलोवेरा से क्या है, ज्यादा है, अर्थात इसकी जल धारण क्षमता क्या होगी, बीच वाली होगी। और थर्ड है बालू मिट्टी, इसमें रेत सबसे ज्यादा होगी और इसमें आवश्यक खनिज पदार्थ और जल संचयता कम होती है, ऐसी मिट्टी बंजर होती है, ऐसी मिट्टी में पेड़ पौधे कम ही होते हैं। उसके बाद ह्यूमस जो है सामूहिक रूप से कहते हैं। विद्यार्थियों अपना अगला जो टॉपिक है मृदा के अंदर वो है मृदा परीक्षण विधि का, मृदा परीक्षण क्षेत्र का, अर्थात सोयल की प्रोफाइल क्या है, वो कैसे बनी हुई होती है मृदा, वो अपन को इस डायग्राम से समझना है। देखिए मृदा की अपन जो सामान देखते हैं लगता है कि मृदा एक ही भाग से मिलकर बनी होती है, रियल में वो कई स्तरों से, कई ऑर्गेनों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे जो ऊपरी स्तर होता है वो
वो कहलाता है 01, इसको सामान्य भाषा में A00 भी कहते हैं। अब इस स्तर में क्या होगा, यह मृदा का सबसे ऊपरी भाग है, अर्थात जस्ट जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होगा वो क्या होगा, ये जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, A00 स्तर। ठीक है, ये मृदा का सबसे ऊपरी स्तर होता है जिसमें वनस्पतियां उगती है, अर्थात जो ये पूरा ओस्तर, ये पूरा जो ओस्तर है ये क्या होगा, पृथ्वी का क्या है, सबसे ऊपरी भाग है जिसमें वनस्पतियां उगती है एवं जैविक क्रियाओं का मुख्य स्थान होता है। जैविक क्रियाओं का क्या होगा, मुख्य स्थान होता है। इसका रंग गहरा व अमुष्क उसमें क्या होगी, अत्यधिक पाई जाती है। अब इसमें कई परतों में विभाजित किया जाता है, कई परतों में क्या मुख्यतः दो परतें होती है, अब A00 और A0। अब A00 क्या है, ये पृथ्वी सबसे ऊपरी परत है जिसमें गिरी हुई पत्तियां एवं कार्बनिक अवशेष होते हैं जो आंशिक रूप से विघटित होते हैं, अर्थात जो मिट्टी की जो ये है इसमें क्या होगी, जो क्षेत्र होगा A00 इसमें क्या होगी, सामान्यतः जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो इसी स्तर में उगते हैं, उनकी जड़ें तो अंदरूनी स्तर में होती है लेकिन जो उगने की बात करें वो इसी स्तर में उगते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों के लिए, वो क्या होंगे, आंशिक रूप से विघटित होंगे। जैसे हम बता चुके हैं कि ये सबसे ऊपरी परत है और इसमें गिरी पत्तियां जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं वो, और कार्बनिक पदार्थ के अवशेष होते हैं जो आंशिक रूप से विघटित होते हैं। इसके बाद आती है A0, ये वाली, ये क्या है, इसमें कार्बनिक पदार्थ विघटन की विभिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो विघटन की क्या होंगे, विभिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं, और इसमें क्या होंगे, सूक्ष्मजीव पाए जाएंगे, अर्थात इस जो परत है इसमें क्या होंगे, एक तो सूक्ष्मजीव पाए जाएंगे और कार्बनिक जो पदार्थ होंगे वो विघटन की प्रावस्थाओं में होते हैं। तो ये जो ओस्तर है इसके बाद में दो, एक तो A00 और सेकंड A, तीसरा सेकंड A समस्तर एक संस्तर। अब ये ओ क्यों कहलाता है इसके बारे में समझ लीजिए, ओ का देसी नाम जो सामान्य भाषा में कहते हैं ऑर्गेनिक संस्तर, ऑर्गेनिक अर्थात कार्बनिक, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कार्बनिक कार्बनिक, इसीलिए आपके मन में प्रश्न आ रहा है ये ए ओ क्या है या ओ स्तर क्या है, ये ओ का शाब्दिक अर्थ होता है इंग्लिश में ऑर्गेनिक और हिंदी में कहते हैं कार्बनिक, क्योंकि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो आंशिक रूप से विघटन के रूप में या उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको ओ स्तर कहते हैं। इसीलिए पूरा नाम क्या है तो इसका ऑर्गेनिक स्तर या कार्बनिक स्तर भी इसको कहते हैं, कार्बनिक स्तर भी कहते हैं। अब सेकंड आता है ए स्तर, ए जो है वो क्या है, इसमें खनिज पदार्थ होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो होते हैं क्योंकि पौधे को वृद्धि करने के लिए खनिज पदार्थ और जल दोनों की ही आवश्यकता होती है, वही पौधा ज्यादा विकसित करेगा जिसे खनिज पदार्थ और जल दोनों मिलते हैं, अर्थात इस स्तर में क्या होंगे, खनिज पदार्थ भी होंगे और क्या होंगे, और इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है A1, ये वाला स्तर जो क्या है, गैर भूरे रंग का, अर्थात इसमें क्या होगा, खनिज पदार्थ है उनकी पहली जो परत होगी खनिज पदार्थ होगी वो इसी क्षेत्र में स्थित होती है, इसका रंग क्या होगा, जो इसमें मिट्टी होगी वो गैर भूरे रंग की, और खनिज पदार्थ होगी जो पहली परत होगी वो इसी स्तर में पाई जाएगी। ये कौन सा स्तर है, ये A1 स्तर है। फिर A2 है, इसमें कार्बनिक जो पदार्थ होंगे वो गहराई में इसके कारण इसका रंग क्या हो जाएगा, हल्का, अर्थात जो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो इसमें क्या होंगे, वो गहराई के अंदर होंगे, अर्थात ऊपर की ओर नहीं होंगे, नीचे की ओर होंगे गहराई के अंदर, जिससे इसका रंग क्या हो जाएगा, हल्का कलर का। और A3 जो परत होती है वो क्या करती है, A3 परत A2 और जो B स्तर है इन दोनों के बीच का कार्य करती है, अर्थात इनके मध्य का कार्य करती है या लगभग कुछ कहीं जगह अनुपस्थित भी होती है। तो जो मृदा का जो स्तर है A स्तर, O ऑर्गेनिक स्तर और A स्तर। ऑर्गेनिक में क्या है, सबसे पहला दो भागों में बांटा गया है, O1 या A00, A बोलो या O2 या AO, O का मतलब ऑर्गेनिक। अब O स्तर में क्या है, मृदा का सबसे ऊपरी भाग है जिसमें वनस्पतियां होती है एवं जीवित जैविक क्रियाओं का मुख्य स्थान है, इनका रंग गहरा और आमतौर पर अत्यधिक होती है, कई परतें होती है, बेसिकली दो ही मुख्य है, A00 यह सबसे ऊपरी है जिसमें गिरी हुई पत्तियां एवं कार्बनिक अवशेष होते हैं, और इसमें AO में क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ विघटन की विभिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं, और A स्तर में क्या होंगे, तीन होंगे, A1 में क्या होगी, खनिज पदार्थों की पहली परत है जो उगने की जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, A2 में क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ कहां चले जाएंगे, गहराई कारण, जिससे इसका रंग क्या हो जाएगा, हल्का, और A3 क्या होगी, कई जगह अनुपस्थित होगी, और कई जगह A2 और जो B स्तर है उसके मध्य, A और B स्तर के मध्य का कार्य करती है।
तीसरा जो टाइप होता है वो बीज स्तर होता है, ये बीज स्तर है, जो तीसरा जो टाइप है वो बीज स्तर होता है। इसमें क्या होता है, ये ए स्तर, जो ए संस्तर है उसके ठीक ए हॉरिजॉन है, ए संस्तर के ठीक नीचे वाला स्तर होता है, स्तर के ठीक नीचे वाला स्तर होता है। इसमें मृदा ह्यूमस एवं लो एवं एल्यूमिनियम जैसे, लो एवं एल्यूमिनियम जैसे जो आवश्यक यौगिक होते हैं, जो पदार्थ होंगे यौगिक जो भी है वो पाए जाते हैं, और इसके साथ में जो भी खनिज पदार्थ पौधे की वृद्धि के होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में इसमें क्या होंगे पाए जाएंगे। तो ये जो ए स्तर के ठीक नीचे वाला स्तर है इसमें मृदा ह्यूमस एवं लो एवं एल्यूमिनियम जैसे यौगिक भी पाए जाते हैं। अब सी स्तर, देखिए सी स्तर होता है ना वो एक तो मोटा स्तर है, लेकिन इसमें ऐसे खनिज पदार्थ पाए जाएंगे जो ऑक्सीजन खंडित जो खनिज पदार्थ होंगे, जो भी कम काम के होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है वैसे खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। तो ऐसे गुण पर होगी इसका स्तर तो बहुत मोटा होगा और बड़े आकार के ऑक्सीजन एवं खनिज पदार्थ इसमें निर्मित होते हैं जो बहुत कम मात्रा में जरूरत हो या इसका कम उपयोग होता है। अब डी स्तर, ये डी स्तर में क्या होंगे, जो भी डी होंगे ये मृदा परीक्षण का सॉइल प्रोफाइल का सबसे निचला स्तर होगा और इसमें क्या होगा बेसिकली चट्टान होगी। तो अपन ने अभी जो पढ़ा बेसिकली मृदा परीक्षण का वो होता क्या है कि मृदा परीक्षण के क्षेत्र का में सबसे पहला स्तर होगा O1 ऑर्गेनिक, फिर O2 A1 A2 A3 A3 क्या है A1 और B के बीच वाला इंडक्शन जल सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होगा, और उसके बाद B के बाद C और D, D में ज्यादातर चट्टान उपस्थित होती है। तो अब अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था ये मृदा परिच्छेदी का अर्थात सोयल की प्रोफाइल क्या होती है इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल के प्रकार, मृदा में जो जल पाया जाता है उसके प्रकार कितने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मृदा जल। देखिए पौधों को वृद्धि के लिए खनिज पदार्थ मृदा के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए जल जो होता है वो उसका बेसिक जो प्राकृतिक स्रोत जो है या जो भी कहें जल प्राप्त होगा मिट्टी को वो सामान्यतः कहां से होगा वर्षा के द्वारा। देखिए अपना जो अभी हम पढ़ रहे थे उसमें जो टॉपिक है वो है मृदा जल, अर्थात देखिए मृदा में जो जल होता है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, और जल का जो प्राकृतिक जो कहें जल मृदा को जो प्राप्त हो रहा है वो मुख्यतः कहाँ से होगा हमेशा वर्षा से होगा। इस आधार पर जल रखने के आधार पर था मिट्टी कैसे जल रख रही है अपने अंदर, उस आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल क्या है, यह वो मृदा जल है, यह वो मृदा जल है। अर्थात मैं आपको संक्षिप्त समझाऊं,
तो अपन ने देखा होगा जब भी बरसात होती है तो मिट्टी के ऊपर पानी कंटिन्यू बहता रहता है मृदा के ऊपर परत के ऊपर, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है वो पानी कहाँ चला जाएगा, भूमि के अंदर चला जाता है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण हमेशा वो पानी कहाँ चला जाएगा, वो भूमि के अंदर चला जाएगा। अब चूंकि अंदर जा रहा है तो मिट्टी की भी क्या होती है जल संग्रहण क्षमता, जिसको कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अर्थात वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जल संग्रहण क्षमता होती है वो एक निश्चित होती है। और आवश्यकता से जो अधिक जल होगा वो क्या हो जाएगा, मिट्टी के नीचे ढलान जहां भी होगी वो मिट्टी के नीचे से बह जाएगा। अर्थात जो पृथ्वी जल होता है जो नीचे गया है वो जल कुछ मात्रा में तो मिल रहा है लेकिन वो पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता, क्योंकि आवश्यकता से जो अधिक जल है, क्योंकि आज बरसात में आवश्यकता से अधिक जल है वो तो बह जाएगा, लेकिन जैसी बरसात होगी वो जल स्टोरेज नहीं होता और कंटिन्यू बहता रहता है, तो ऐसा जल जो भी होगा वो क्या होगा, वो मिट्टी पौधे के लिए उपयोगी नहीं होता। तो पृथ्वी जल क्या है, यह वो जल है जो पृथ्वी प्रभाव से मृदा के ठीक नीचे चला जाता है और जल पौधे के लिए उपयोगी नहीं होता, क्योंकि ये जल पौधे के लिए उपयोगी नहीं होता क्योंकि आवश्यकता से अधिक जल मृदा के नीचे से बह जाएगा। सेकंड है किसी के जल, किसी के जल क्या होता है, यह वही जल है जो पौधों को सबसे ज्यादा उपयोगी होता था, जब मृदा के कण जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच वाले स्तर में पाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी के दबाव के कारण कैपिलरी में जो प्रेशर होता है आवश्यकता पड़ने पर केसी के दबाव के कारण यही जल क्या होगा पौधों को प्राप्त होता है। तो केसी के जल का पौधे सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। थर्ड है आर्द्रता ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है, जब जब मृदा के कणों पर जो मिट्टी कण होते हैं उसको पतली परत पर पतली परत के रूप में स्थित होते हैं, लेकिन पौधों के लिए उपयोगी नहीं होते। कारण क्या होता है कि असंजय व ससंजय बल के कारण ये जो जल होता है वो मिट्टी के कण के ऊपर एक परत के रूप में स्थित होते हैं और ऐसा जो जल होगा वो पौधों को प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इस जल का उपयोग पौधे नहीं करते। चौथा है संयुक्त जल। अब संयुक्त जल में क्या होता है, चूंकि मिट्टी में कई रासायनिक पदार्थ भी होते हैं कई तत्व होते हैं, तो क्या होगा ये जो जल होता है ये क्या करेंगे, कुछ मृदा के जो पदार्थ है आवश्यक जो पदार्थ है उनसे रासायनिक रूप से बंध जाते हैं। अर्थात बंधने से क्या होगा कि ये जो भी जल होता है ये पौधों को कम प्राप्त होता है, अर्थात एल्यूमिनियम सिलिकेट या हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में होता है। अर्थात ऐसा जो जल होगा वो क्या होगा जो रासायनिक बंध के रूप में उपस्थित होता है ये भी पौधों को कम मात्रा में प्राप्त होता है। अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो पौधों को सबसे जल प्राप्त होता है वो केसी के लिए होता है, क्योंकि ध्रुवीय जल होता है वो नीचे चला गया फिर क्या होगा बह जाएगा, केसी की जल पौधा यूज करता है। आर्द्रता ग्राही जल होगा वो मृदा के कारण पर क्या होगा पृथ्वी परत के रूप में होगा और असंजय व ससंजय बल के कारण क्या होगा ये पौधे को प्राप्त नहीं होते हैं। और संयुक्त जल है जो मृदा जल कुछ भाग मृत पदार्थों से रासायनिक रूप से बदला होता है जैसे एल्यूमिनियम या हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में होता है। तो आज प्रिय विद्यार्थी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मृदा, मृदा की परिभाषा, उसके बाद मृदा के प्रकार, फिर मृदा की जो प्रोफाइल कहते हैं परिचय क्षेत्र का भी पढ़ा और अपने आज पढ़ा कि मृदा के जल होते हैं मिट्टी में किस प्रकार के जल किस प्रकार के जल ज्यादा मिट्टी बांटी गई है जैसे पृथ्वी जल केसी के जल आर्द्रता ग्राही जल संयुक्त जल। तो आज हमने जो मृदा का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ा ये इसका पहला भाग था, कल हम सेकंड भाग पढ़ेंगे कि मिट्टी के लिए जंतुओं का क्या प्रभाव होता है अर्थात जंतुओं के लिए क्या फायदेमंद है कैसे है, वो अपन कल सेकंड पार्ट में इसको पढ़ेंगे।